बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस एर फार्मूला करेंगे। इस एर फार्मूला जहाँ पे एरर होगी वहाँ पे ट्रू बताएगा, जहाँ पे फार्मूला में जैसे एरर आती है तो ये वहाँ पे ट्रू बताएगा, और अगर एरर की तरह हमने टाइप किया है तो इसको फॉल्स बताएगा, और इसी तरह अगर हमने टेक्स्ट लिखा है तो इसको फॉल्स बताएगा, और अगर हमने नंबर लिखा है तो इसको फॉल्स बताएगा। चलिए शुरू करते हैं इस एर फार्मूला। इस एर फार्मूला शुरू करने से पहले आपको एक डेटा है जिसमें हमने ये जो है वो टेक्स्ट लिखा है, नंबर लिखा है और एरर, यहाँ पे ये तीन एरर है और जो है लास्ट में जो है हमने ये एरर की तरह टाइप किया है मगर ये एरर नहीं है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट में फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के लिए आप सबसे पहले इक्वल साइन से फार्मूला स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम फार्मूले का नाम इस एर है, और उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन की। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कॉलम है ए और रो हमारे पास 112 है। तो यहाँ पे हमने ए 112 सेल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज की। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं तो ये फार्मूला हमें बताएगा कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये फॉल्स है। और इसी तरह इस फार्मूले को हम इस सेल के कॉर्नर पे जाएंगे, यहाँ पे आपकी कर्सर व्हाइट है, व्हाइट कॉर्नर पे जाएंगे तो आपकी ब्लैक प्लस साइन होगी, तो यहाँ पे आप लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और नीचे लेके आएंगे कर्सर को, तो ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो गया। तो देखें इसने यहाँ टेक्स्ट था वहाँ पे फॉल्स दिखाया, इसी तरह जहाँ पे नंबर है वहाँ पे भी इसने फॉल्स दिखाया, और जहाँ पे ये तीन एरर है हमारे पास तो यहाँ पे इसने ट्रू बताया, और इसी तरह हमने यहाँ पे लास्ट में ये एरर नहीं है और एरर की तरह टाइप किया है तो यहाँ पे इसने फॉल्स बताया। तो जहाँ पे एरर होगी वहाँ पे ट्रू बताएगा, जहाँ पे एरर नहीं होगी यहाँ पे टेक्स्ट या नंबर होगा या हमने एरर की तरह टाइप किया होगा तो वहाँ पे ये फॉल्स बताएगा। एहसन मुगल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में भी राय का इजहार जरूर करें।